नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में रखेगी बेरोजगार युवाओं का विशेष ध्यान, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। 9 अगस्त वाले दिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी बोले, हिमाचल छोड़ो भाजपा। कॉलेजों में चुनावों पर प्रतिबंध को लेकर उग्र हुए छात्र संगठन, विश्वविद्यालय के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। और मंडी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सनातन धर्म सभा ने निकाली शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बनने वाले घोषणा पत्र में पढ़े लिखे युवाओं के लिए विशेष ध्यान रखने वाली है, इस बात के संकेत दिए हैं हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कौल सिंह ठाकुर ने। कौल सिंह ठाकुर ने गांधी भवन में आयोजित कांग्रेस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार भाजपाइयों द्वारा और सिर्फ भाजपाइयों के लिए है। भाजपा हिमाचल छोड़ो नारे के तहत मंडी के गांधी भवन में उपस्थित कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आज राज्य में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा सिर्फ झूठा प्रचार करने में जुटी है, जिसकी वजह से राज्य की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और भाजपा सरकार सिर्फ चहेतों को ही लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पढ़े लिखे बेरोजगारों का विशेष ध्यान रखने वाली है। ये तो भाजपा सरकार भाजपाइयों के लिए, भाजपाइयों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए, ये भाजपा की परिभाषा है। इसलिए हमने नारा दिया कि भाजपाइयों हिमाचल छोड़ो, हिमाचल को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, हिमाचल के नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरी का प्रबंध करो। और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव घोषणा पत्र बना रही है, हिमाचल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमने उद्योग नीति बनाई, हमने विद्युत नीति बनाई, ऊर्जा नीति हमने बनाई। हमने कहा जो प्रोजेक्ट हिमाचल में लगेंगे विद्युत के, वो जो है 70% लोगों को, हिमाचलियों को नौकरी दी जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आज राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस और अन्य जांच विभागों को कांग्रेसियों के खिलाफ झूठे मामले बनाने के लिए लगा रखा है, जबकि राज्य की आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के 25 देवताओं मंदिरों की जो है मूर्तियां चोर ले गए और धूमल साहब एक भी चोर नहीं पकड़ सका, एक भी मूर्ति बरामद नहीं कर सके। तो क्या है ये सरकार है? और ये झूठे, यहाँ दो किस्म के कानून धूमल ने चलाए हुए हैं। एक कानून कांग्रेसियों के लिए, दूसरा कानून भाजपा के लिए। भाजपा कानून हाथ में लेती है, भाजपा के लोग दो दो घंटे सड़क रोकते हैं, भाजपा के लोग जो है हमारे प्रधानमंत्री का पुतला चलाते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। जब कांग्रेस के लोग जो है बिना रास्ता रोके हुए एजिटेशन करते हैं, धूमल का पुतला जलाते हैं, तो उन पर जो है केस दर्ज किए जा रहे हैं। 525 लोगों पर जो है केस हिमाचल के अदालतों में चले हुए हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के सत्ता में आएगी, हम उन मुकदमों को वापस लेंगे और लोगों को जो है हिरासत करेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया है, लेकिन भाजपा को अपने भीतर का भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंडी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कौल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा हिमाचल छोड़ो नारे के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। शहर भर में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद जब कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाहा, तो कार्यालय में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी नदारद पाए गए। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि भारत छोड़ो, और उसी तर्ज पर अब कांग्रेस भाजपा से कह रही है कि हिमाचल छोड़ो। यही कारण है कि हिमाचल कांग्रेस ने इस नारे को देने के लिए तारीख भी वही चुनी। 9 अगस्त को राज्य के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ रोष रैलियां निकाली और जमकर नारेबाजी की। मंडी में आयोजित रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने
अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो, और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को आह्वान किया था कि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी को कहा आप हिमाचल छोड़ो। वो इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। हिमाचल प्रदेश की भूमि, हमारी कृषि भूमि कुलियों के भाव गैर हिमाचलियों को दान के रूप में दे दी है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का निजीकरण और व्यापारीकरण किया है, और 17 यूनिवर्सिटियों को एक छोटे से प्रदेश में यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त दे दी है। शहर भर में रैली निकालने के बाद कांग्रेसी नेता पहुंचे जिला प्रशासन के पास ज्ञापन देने को, लेकिन ऑफिस में ना तो डीसी मिले, ना एडीसी और ना ही एडीएम। आज हम आए थे जिलाधीश को ज्ञापन देने, न जिलाधीश है न अतिरिक्त जिलाधीश है, और एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है जो प्रदेश जिला के हमारे अध्यक्ष हैं श्री पूर्णचंद जी के माध्यम से। हम उसमें सारे वरिष्ठ कांग्रेस के जन यहाँ इकट्ठे हुए। बाद में जब एडीएम साहब कार्यालय पहुंचे तो कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस रैली में जिला के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंडी जिला कांग्रेस किसान खेत मजदूर विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद राम ठाकुर ने राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। गोहर में पत्रकारों से मुखातिब हुए गोविंद राम ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनावों के दौरान किसानों का इस्तेमाल एक वोट बैंक की तरह करने के बाद उन्हें अनदेखा करती है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को कोई भी सुविधा सही समय पर नहीं मिल पा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में 80-85% लोग किसान हैं, बागवान हैं और पशुपालन उनका धंधा है, परंतु आज देखा गया है कि जो आजकल वर्तमान सरकार है इसने किसानों की बहुत ज़्यादा अनदेखी की है। किसानों पर को समय पर ना बीज मिलता, ना ही तो खाद मिलती, और दूसरा प्रकृति का प्रकोप है। जैसे कि इस बार पहले बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा जिसकी वजह से फसल समय पर किसान बीज नहीं सके, और जब फसल बीजी तो आज यूरिया खाद यहाँ हमारे लगभग जिला मंडी में कहीं भी नहीं है, और इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इससे ये लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, जो कि किसानों के बारे में कुछ सोचती नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा किसान प्रदेश में इनकी वजह से सरकारें बनती है, तो जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद किसानों का कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि वह सरकार की जन विरोधी नीतियों और यूपीए सरकार की कल्याणकारी नीतियों से जन जन को जागरूक करेंगे। कार्यकारिणी विस्तार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस विभाग में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो वास्तविकता में किसान है। उन्होंने बताया कि वह इस बात को लेकर जल्द ही जिला का दौरा भी करेंगे। मैं जो है तो पूरे जिला में भ्रमण करूंगा और जिला में जिला कार्यकारिणी बनाऊंगा। जिला कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को लूंगा जो कि असल किसान हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं और अपने आप अपने हाथों से मैं जमीन में काम करता हूं। तो हम चाहते हैं कि एक असल किसान जो कि अपने आप अपने हाथों से काम करते हैं वो ही जिला कार्यकारिणी में भी लिए जाएंगे, और ब्लॉक के अध्यक्ष और ब्लॉक कार्यकारिणी में भी ऐसे लोग लिए जाएंगे जिनको की किसानचारी का अनुभव है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह और जिला कांग्रेस के प्रवक्ता उपेंद्र ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। के न्यूज के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में 4 नए कोर्स शुरू होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर एस के शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के शर्मा ने बताया
कि कृषि महाविद्यालय में एमएससी सीड साइंस टेक्नोलॉजी व पीएचडी एग्री बायोटेक्नोलॉजी तथा डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय में एमएससी एनिमल बायोकेमिस्ट्री व पशु प्रसूति विज्ञान में पीएचडी के कार्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे। इनमें कितनी सीटें होंगी यह बाद में तय किया जाएगा। हमारे पास कुछ नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी अप्रूव हुए हैं, जैसे एमएससी सीड साइंस टेक्नोलॉजी, एमएससी एनिमल बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी वेटरनरी गायनेकोलॉजी, पीएचडी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। परंतु ये इन प्रोग्राम्स में विद्यार्थियों का प्रवेश जो है वो अगले वर्ष ही होगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालय को 5.5 करोड़ रुपए की 9 शोध परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कुलपति ने कहा कि देश में 42 कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनमें से प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को बेहतर कार्यों के लिए 6वें पायदान पर रखा गया है। कृषि विश्वविद्यालय नए शोध कार्य कर रहा है व प्रदेश में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में करीब 42 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 10 जो हैं वो वेटरनरी के विश्वविद्यालय हैं। तो उनमें से हमारे विश्वविद्यालय का नाम जो है वो 6ठा आता है, जो पहले 5-6 विश्वविद्यालय हैं उनमें अपना नाम आता है। बिना मापदंडों व प्राध्यापकों के चल रहे कोर्स बारे उन्होंने माना कि कुछ विषयों में प्राध्यापकों की कमी चल रही है, लेकिन इसे जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के साथ पूरा कर लिया जाएगा। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर रुपीज 11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर रुपीज 7,950 एंड गेट बजाज JMG फ्री। बाय VIP और सफारी और अमेरिकन टूरिस्टर एंड गेट 50% ऑफ ऑन योर ओल्ड लगेज। For more schemes, please visit Guru Kirpa, 18/12, Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. Refresh brand का mattress अब आपके लिए। Refresh का fresh foam mattress आपके शरीर के pressure point को देता है बेहतर मसाज। Luxe rebound mattress आपके शरीर के कुछ extra comfort के लिए। Spring Jing mattress, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएँ दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
कॉलेजों में छात्र संगठनों के चुनावों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को लेकर छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। वीरवार को मंडी कॉलेज में स्थानीय एसएफआई इकाई कार्यकर्ताओं ने एक रोष रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दिया और उपरांत इसके प्रिंसिपल के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भेजा। छात्र संगठनों का कहना है कि कॉलेज में छात्र संगठनों के चुनावों पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए और कॉलेजों में चुनाव होने चाहिए। आज जो हमारा कॉलेज के इलेक्शन को लेकर जो बंद हुए, इसके खिलाफ हम रैली निकाल रहे हैं कि कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए। पूरे प्रदेश भर में आज जो है हम रैली निकाल रहे हैं, सड़कों के उतर रहे हैं रैली निकाल कर, और हमारी जो कुछ कॉलेज की डिमांड है उनको लेकर भी आज हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाद धरना देंगे और विश्वविद्यालय को मेमोरेंडम भेजेंगे कि कॉलेज की सीएससी के इलेक्शन होने चाहिए, इसके खिलाफ हम रैली निकाल रहे हैं। बरसात के इस मौसम में ऊपरी इलाकों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। हालांकि निचले इलाकों में थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन चंबा जिला में बीते एक सप्ताह से लोग सूर्य देवता के दर्शनों को तरस गए हैं और तो और लोगों को कपड़े सुखाने के लिए भी हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। चंबा जिला में एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में तो एक सप्ताह से लगातार बारिश होने से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। गहरी धुंध के कारण वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। डलहौजी में मानसून के तेवरों को देखते हुए लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ सूर्य के दर्शन हुए भी एक सप्ताह बीत चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाजारों से रौनक गायब है। वहीं बारिश जारी रहने से पर्यटक भी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय भी मंदी की मार झेल रहा है, जिसके चलते यहां डलहौजी में पर्यटकों की आमद भी बहुत कम देखने को मिल रही है और सड़कों में चारों तरफ पानी आने की वजह से कचरा ही कचरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी चलने में, पैदल चलने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चों और महिलाओं को हो रही है। मौसम ऐसा बना हुआ है कि कई दिनों से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। कपड़े सुखाने के लिए लोगों को हीटर और ब्लोअर जैसे उपकरणों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक सप्ताह से धूप न खिलने के कारण परेशानी और भी बढ़ गई है। धूप निकल ही नहीं रही है, थोड़ी सी कपड़े डालो भी सूखने, उसी समय बारिश आ जाती, फिर गीले हो जाते हैं और फिर वैसे ही उठा के रखने पड़ रहे हैं सारे, अंदर भी पूरे डैम्प ही डैम्प हो रही, स्मेल आ रही है जैसे डैम्प की, बहुत मुश्किल हो रही है बारिश से, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बारिश चल रही है। बरसात ऐसी हो रही है रिमझिम करके कि कपड़े तक सुखाने मुश्किल हो रहे हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड भी हुआ है। वैसे तो न्यूज़पेपर में ये भी आ रहा है कि हिमाचल में बहुत सी जगह बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चंबा में और स्पेशली डलहौजी में तो लगातार ही बारिश होती जा रही है। लगातार बारिश होने के बाद तापमान काफी गिरता जा रहा है। पहले बारिश न होने के कारण उमस से लोग परेशान थे, लेकिन अब जब गर्मी से थोड़ी राहत मिली तो बादलों ने बरस कर जीना हराम कर दिया है। के न्यूज़ के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलैल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने यह सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं, और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका, आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर। टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत।
इंडिका, इंडिगो, ईसीएस, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो एचडी, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0190524324 एंड 45। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सनातन धर्म सभा की तरफ से मंडी में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में शहर की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर भर का चक्कर काटती हुई यह शोभा यात्रा लोगों को कृष्ण जन्म और कृष्ण प्रेम का संदेश देती हुई नजर आई। लोग शोभा यात्रा में भजन कीर्तनों के माध्यम से प्रभु महिमा का गुणगान और नाचते हुए नजर आए। सनातन धर्म सभा मंडी की तरफ से पिछले 50 सालों से लगातार मनाया जा रहा है और हर वर्ष यही कार्यक्रम रहता है और रात के 12 बजे तक सनातन धर्म मंदिर में कीर्तन कथा और सब रहेगा। 12 बजे कृष्ण जन्म के उपरांत वहाँ पे पूजा अर्चना होके वो समाप्त होगा और 12 तारीख को सनातन धर्म मंदिर की तरफ से सब मंडी नगर निवासियों को भंडारा दिया जाएगा और उसके लिए काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। इस शोभा यात्रा में मंडी की सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भाग ले रही हैं और सब उत्साह से इसको मना रहे हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंडी स्थित मोती बाजार में गोपाल ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शोरूम की शुरुआत की गई है। ज्वेलरी शोरूम का शुभारंभ ब्रह्मचारी भूपेंद्र द्वारा किया गया। इस मौके पर मोती बाजार के अन्य व्यापारीगण भी मौजूद थे। ब्रह्मचारी भूपेंद्र ने शोरूम की सफलता की कामना की। गोपाल ज्वेलर्स के ऑनर प्रदीप वर्मा ने बताया कि शोरूम के शुभारंभ मौके पर ग्राहकों के लिए हर खरीद पर 5% की छूट का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि उनके शोरूम में हर प्रकार के जेवर शुद्धता की गारंटी के साथ मौजूद हैं। हमारा आशीर्वाद है ये दिन उत्तर पर वृद्धि को प्राप्त हो। दिन रात की आगे हमारा पूरा आशीर्वाद है, भगवान की तरफ से हमारा आशीर्वाद है कि उत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। नए डिज़ाइन की ज्वेलरी जो भी है, नए डिज़ाइन है, बाकी हॉलमार्क ज्वेलरी भी है 23 कैरेट के डी एम में 5% की छूट हमने की हुई है इसके लिए खास जो भी है एक महीने के लिए। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।